ये नज़ारा अम्बाला के टीबी अस्पताल का है, जो इन दिनों खुद बीमार है। टीबी अस्पताल के परिसर में बरसाती पानी इस कदर जमा है कि यहाँ इलाज के लिए आने वाले रोगियों को सबसे पहले यहाँ जमा पानी से बचकर निकलने के लिए रास्ता खोजना पड़ता है। टीबी अस्पताल में बदहाली का आलम खुद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल परिसर की बदहाली को लेकर जब टीबी अस्पताल के ASMO डॉक्टर हितेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल की हालत पर सरकार ने संज्ञान लिया है, जिसके तहत टीबी अस्पताल को नया बनाने की अप्रूवल और बजट सरकार जारी कर चुकी है, लेकिन अब PWD विभाग पर निर्भर है कि वो कब इसका कार्य शुरू करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जानकारी के मुताबिक अब टीबी अस्पताल में आने वाले रोगियों को यहाँ की बदहाली से छुटकारा दिलवाना PWD पर निर्भर है। एंट्री पॉइंट पर ही पानी जो है वो जमा है, बिल्डिंग की कंडीशन काफी खराब है यहाँ पर, उसको लेकर सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया हुआ है और इस बिल्डिंग की जगह पे 4 मंजिला एक नया चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल बनने वाला है, जो कि स्टेट में अपने आप में एक नया हॉस्पिटल होगा और ऐसा हॉस्पिटल होगा जो दिल्ली में NITRD के जैसा हॉस्पिटल होगा, जिसके अंदर स्लीप स्टडी भी होगी, टीबी के मरीजों के लिए ICU भी होगा और चेस्ट के बीमारियों के लिए जहां ICU का ज़रूरत है वो भी उसमें स्टेट ऑफ आर्ट ICU होगा। इसमें प्राइवेट रूम्स भी होंगे, सारा अस्पताल एयर कंडीशनड होगा। तो सरकार ने इसके लिए नक्शा अप्रूव कर दिया, इसके लिए पैसा भी PWD को अलॉट कर दिया और इसका एक या दो हफ्ते में, जो हमें 2-3 दिन पहले बताया गया था कि एक या दो हफ्ते में टेंडर होना है, इसका टेंडर एक बार हो चुका था लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो टेंडर अप्रूव नहीं हो पाया, तो दोबारा से उसका टेंडर होना है। वो आपको PWD वाले बेहतर बता पाएंगे।